नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्व धर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् नम्यून जिनम् वीरम् अनंत वर्णान दंशन सहावम् ओच्छामिनियम् सारम् केवली शुद्ध केवली वाणिदम। ये अपनी गाथा चली थी, 7 नंबर की गाथा हो गई थी, और इसके बाद उद्धरण के रूप में इसी प्रकार भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार की गाथा में कहा है कि प्रवचन सार की जयसेनाचार्य की तात्पर्यवर्ती टीका में है। ये देखो, तेज अर्थात भामंडल, दर्शन माने केवल दर्शन, ज्ञान केवल ज्ञान, रिद्धि समोसरण आदि विभूति, सौख्य अनंत अतीन्द्रिय सुख, इंद्रादिक भी दास रूप से वर्तें ऐसा ऐश्वर्य, और 3 लोक के अधिपतियों के बल्लभ होने रूप त्रिभुवन प्रधान बल्लभ पना, ऐसा जिनका महात्म्य है वे अरहंत है। ये अरहंत की व्याख्या करिए, मतलब इनमें सभी तरह के गुण लिए उनके, जो अंतरंग होते हैं वो भी, शरीर शरीर आश्रित होते वो भी, और पुण्य आश्रित होते वे भी। तो सबसे पहले लिया तेज यानी भामंडल होता है। भामंडल माने क्या? एक आभा मंडल होता है उनका, कि जिसमें अगर कोई जीव देखे तो उसको 7 भव दिखाई देते हैं, 3 भव भूतकाल के, 1 वर्तमान का, और 3 भव भविष्य के। मतलब जिसके 7 हो उसको 7 दिखाई देते, किसी को नहीं हो तो नहीं दिखाई देते, आगे के भव नहीं हो तो नहीं दिखाई देते। तो एक ऐसा, अब वो ये भामंडल भी क्रमबद्ध को सिद्ध करता है, 7 भव, तो 3 भव लगातार आगे के दिखाई दे, 3 भव की आयु एक साथ नहीं बनती, आयु नहीं बनती एक साथ, लेकिन 3 भव पहले से नक्की है ना, ये सब। और बाकी तो ये आई गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल ज्ञान, और उसके बाद ये एक आया समोसरण आदि विभूति, रिद्धि का मतलब ये तीर्थंकर प्रकृति होती है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति होती थी, समोसरण आदि की विभूति इंद्रों के द्वारा देवों के द्वारा रची जाती है। और सुख की बात हो गई, और फिर लिखा इंद्रादि भी दास रूप से वर्ते, इंद्रादि, इंद्रादि में कोई सामान्य नहीं होता इंद्र, सो इंद्र तो होते हैं, लेकिन जो इंद्र होते हैं ना साधारण, जो सोधर्म इंद्र होता है, एक सोधर्म इंद्र 32 लाख विमान का स्वामी होता है, 32 लाख, और एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव होते हैं, और एक एक देव के देव की विभूति, उसके मोती, उसका जो हार होता है ना, उसके हार के एक रत्न की कीमत वर्तमान दुनिया जो अपने को दिखाई देती है ना, हाँ हाँ, तो अभी सोचो टॉप 10 करोड़पति नहीं चुका सकते धनपति, अभी कितना कितना उसके पास पुण्य का वैभव, और वो भी जिनके पास में दास रूप से वर्ते, सोचो कितना होगा। हाँ, दास रूप से, गुरुदेव बोलते थे जैसे वो पिल्ला होता है ना, पिल्ला, और वो पूंछ हिला के बैठता है ऐसे दीन रूप से, कि ऐसे इंद्र भी जिनकी सभा में दास रूप से सुनने के लिए बैठे, वो तीर्थंकर की महिमा कितनी होगी। हाँ, ऐश्वर्य और 3 लोक के अधिपतियों के बल्लभ होने रूप त्रिभुवन प्रधान बल्लभ पना, 3 लोक के अधिपति शब्द आया ना, 3 लोक के अधिपति मैं 100 इंद्र उनको जो प्रिय है, अब वो तीर्थंकर ऐसे जो भगवान होते हैं,
तो कहते कि ऐसे ऐसा जिनका महात्म्य है वे अरहंत हैं। ये बात कुंद कुंद आचार्य देव ने कही। प्रो हाँ विक्रिया पहुंचती सब जगह। सोदर्भेन्द्र मूल सोदर्भेन्द्र कहीं नहीं जाता, सब उसकी विक्रिया होती है। ये विक्रिया से शरीर बनाता है वो और वो पहुंचता है, एक साथ भी पहुंचेगा। हाँ हाँ इसी प्रकार और इसी प्रकार आचार्य देव हाँ रहते हैं, क्यों नहीं रहते है? रहते हैं हाँ। पृथक अपृथक छोटे बड़े पृथक अपृथक अनेक प्रकार के आकारों को करने की योग्यता, उसका नाम वैक्रिक शरीर है। तो वैक्रिक शरीर में वो होता है ना। अब वो वैक्रिक शरीर में उसकी आत्मा के प्रदेश नहीं रहे तो खाली अकेला जड़ शरीर छोड़ जाएगा। आ गया उसके उसकी 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 शरीर की ऐसी योग्यता है कि उसमें से वो अपनी अपनी और विक्रिया करता रहता है, जितना चाहिए उतने रूप बना सकता है, जैसा चाहिए वैसा रूप बना सकता है ना ऐसा। हाँ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने आत्मख्याति के 24वें श्लोक में कहा है। क्या कहा है अभी फुटनोट बाद में पढ़ेंगे। 24वें श्लोक में कहा है। वो क्या कहा देखो, वो जो जिनेन्द्र भगवान की स्तुति का वर्णन आया ना कि अगर आत्मा और शरीर एक ही है तो फिर जिनेन्द्र भगवान की स्तुति शरीर के माध्यम से स्तुति अगर नहीं करेंगे तो फिर वो झूठी हो जाएगी अगर एक नहीं होंगे तो। इसलिए हम तो मानते हैं कि जिनेन्द्र शरीर और आत्मा एक ही है, और उसका एक श्लोक आचार्य देव ने बनाया। वो श्लोक यहां पर रखते हैं देखो, फिर उसका उत्तर भी दिया है कि वो शरीर की स्तुति वो व्यवहार से ही भगवान की स्तुति कही जाती है क्योंकि शरीर आत्मा का नहीं है। वो सब बातें आई है देखो। जो कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं, अर्थात दसों दिशाओं में जिनकी दीप्ति व्याप्त है, जो तेज द्वारा अत्यंत तेजस्वी सूर्यादिक के तेज को ढक देते हैं, यानी सूर्य के तेज से भी कितना ही गुणा जिनका तेज होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्र तो वहां पर समोसण में उपस्थित रहते हैं, समोसे भगवान के समोसण में रात दिन का भेद ही नहीं होता, इतना तेज होता है वहां पर। ढक देते हैं जो रूप से जनों का मन हर लेते, इतना सुंदर उनका रूप होता है कि सब जनों का मन वो हर लेते हैं। जो दिव्य ध्वनि द्वारा भव्यों के कानों में मानव की साक्षात अमृत बरसाते हों ऐसा सुख उत्पन्न करते हैं, तथा जो 1008 लक्षणों को धारण करते हैं, 1008 लक्षण वे तीर्थंकर सूरी वंद्य है। समय सार में तो अन्य संदर्भ में ये बात आई है, वहां तो इस संदर्भ में आई कि देखो ऐसी स्तुति की और तुम कहते हो कि शरीर और आत्मा भिन्न है, तो शरीर और आत्मा भिन्न है तो ये स्तुति तो शरीर के माध्यम से की, तो फिर ये स्तुति कैसे बन पाएगी। तो फिर आचार्य देव ने कहा कि तुम नए विभाग को नहीं जानते हो। नए विभाग ये है कि शरीर और आत्मा एक है, ये व्यवहार नय का कथन है, और निश्चय से शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए शरीर के माध्यम से की गई तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति वो व्यवहार से ही स्तुति है। तो फिर उसने कहा कि निश्चय स्तुति क्या है, तो फिर उसके उत्तर में 31, 32 और 33 गाथा आई है। ये प्रकरण है उसमें, आ गया। अब देखो इसके नीचे जो एक फुटनोट दिया है जयसेन आचार्य का, वो जरा देखो। नित्यानंद एक स्वरूप, अर्थात नित्य आनंद ही जिसका एक स्वरूप है, ऐसा कारण परमात्मा त्रिकाल आवरण रहित है। वो बात आई थी ना, कारण परमात्मा की बात चली थी कल कि कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य परमात्मा दशा प्रकट होती है, तो वो कारण परमात्मा का स्वरूप आचार्य देव कहते हैं कि नित्यानंद एक स्वरूप ये कारण परमात्मा, अर्थात नित्य आनंद ही जिसका एक स्वरूप है ऐसा। आ गया समझ में। कारण परमात्मा त्रिकाल आवरण रहित है, त्रिकाल आवरण रहित माने भूतकाल में
अक्षर के अनंतमें भाग ज्ञान का उघाड़ रहा पर्याय में, समझना जरा बात को, पर्याय में क्या रहा, निगोद अवस्था में अक्षर के अनंतमें भाग ज्ञान का उघाड़ रहा, उस समय भी निगोदिया जीव का जो कारण परमात्मा है, निगोदिया जीव जो उसका जो त्रिकाली स्वभाव है, वो त्रिकाली स्वभाव उस समय भी आवरण से रहित था। क्या पर्याय में कितना आवरण, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का होगा, यानी केवल जड़ होने से बच गया, बस इतनी बात है। वो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ का क्या अर्थ करेंगे अपन, कि केवल वो जड़ होने से बच गया। अगर इतना भी ज्ञान का उगाड़ नहीं हो तो समझ लो वो जड़ ही है। एक और उसी समय उसका जो वो जो कारण परमात्मा स्वभाव है निगोदिया जीव में भी त्रिकाल, तो वो उस समय भी वो कैसा है, निरावरण है। अब कैसे गले उतरे ये बात, पर्याय में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़ और स्वभाव कैसा, कि स्वभाव निरावरण। क्यों, कि स्वभाव निरावरण है, ध्यान से सुनना जरा बात को, स्वभाव निरावरण है, ऐसे स्वभाव की घोर अवज्ञा के फल में पर्याय में इतना आवरण आया, यह है उसका अर्थ, जिसको जिनवाणी गोमटसार बोलता है भाव कलंक की प्रचुरता। मतलब स्वभाव त्रिकाल निरावरण, जिसपे कभी आवरण आता ही नहीं, और जो ऐसा निरावरण स्वभाव है उस स्वभाव की कितनी तीव्र आसाधना की पर्याय में, कि पर्याय में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़ रह गया। और जिस समय अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़ है उसी समय त्रिकाल निरावरण स्वभाव विद्यमान है। त्रिकाल निरावरण स्वभाव में कुछ भी कमी नहीं हुई, कुछ भी न्यूनता नहीं हुई, कुछ भी उसमें तकलीफ नहीं हुई। आ गया, अब देखो और क्या कहा, नित्य आनंद ही उसका एक स्वरूप है। क्या मतलब, अब देखो, अब इसी को भी निगोद से तुलना करो, कि ऐसा जिनवाणी कहती है कि सिद्धों का अनंत सुख और निगोद का अनंत दुख, केवली जाने और वे भोगे। जैसे जैसे सिद्ध का अनंत सुख कैसा, कि सिद्ध के अनंत सुख को आप किसी की उपमा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते किसी की उपमा, है ना। इसी तरह निगोद के अनंत दुख को भी आप किसी की उपमा नहीं दे सकते। सिद्ध चक्र विधान में आया ना, कि जितने पुद्गल परमाणु शब्द रूप परिणमित हुए, भविष्य में होंगे, वर्तमान में हो रहे, शब्द रूप विश्व की बात है, विश्व के अंदर पूरे शब्द रूप पुद्गल परमाणु शब्द रूप परिणमित हुए, हो रहे और होंगे। आ गया, कि उन सारी परमाणुओं की संख्या को गुणा एक इकट्ठा करो, कितनी संख्या आई, तो उन्होंने कहा अनंत, उससे आगे तो उत्तर ही नहीं है। कहते वो जो अनंत राशि आई, जो त्रिकाल शब्द रूप परिणमित परमाणुओं की, जेते कछु पद पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय हैं अतीत और आगे होनहार हैं, कि उन सब की संख्या जो आई अनंत, उस अनंत की संख्या को अनंत से अनंत बार गुणा करो। पांचवी जयमाला के अंत में, पांचवी जयमाला के पहले सिद्ध पूजा में है, सिद्ध चक्र विधान में है, अनंत की संख्या को अनंत से अनंत बार गुणा करो, कितनी राशि आई, उत्तर तो वही आएगा अनंत अनंत, कि वो सब मिलकर सिद्ध भगवान के एक समय के अतिंद्रिय आनंद की, अतिंद्रिय आनंद का गुणगान करना चाहे, तो कहते सिद्ध भगवान के एक समय के अनंत आनंद के अनंत में भाग को कहने में समर्थ नहीं है। ये लिखा है, पूजा में पढ़ लो, खाली सिद्ध जग विधान की पूजा में पढ़ लो ये बात, ऐसा लिखा उसने। तो जो ये बात सिद्धों के लिए लागू पड़ी, निगोद के लिए दुखों में यही बात लागू कर लो, इतना दुख तो पर्याय में इतना दुख, और उसी समय स्वभाव कैसा, कि नित्य आनंद ही उसका एक स्वरूप है, कि भगवान आत्मा त्रिकाली कारण परमात्मा, कि अरे वो तो नित्य आनंद स्वरूप है, ऐसे नित्य आनंद स्वरूप की इतनी घोर विराधना कि पर्याय में अनंत दुख का वेदन करता है। स्वभाव कभी दुख में नहीं होता, स्वभाव कभी आवरण में नहीं होता, स्वभाव कभी अशुद्ध नहीं होता, स्वभाव कभी अपूर्ण नहीं होता,
स्वभाव कभी विकारी नहीं होता, स्वभाव कभी विपरीत नहीं होता, और जो बोल स्वभाव में लागू पड़े ऐसे स्वभाव की विराधना करने के फल में अशुद्धता, अपूर्णता, विपरीतता, अनंत दुख, ये जो जो भी दशा प्रकट हुई, अनंत आवरण, कि ये जो जो भी दशा प्रकट हुई वो ऐसे स्वभाव का अनादर करने के फल में हुई है। अब सोचो कि इस जीव ने अपनी विराधना कितनी की है, दूसरों की तो क्या विराधना करेगा ये, लेकिन अपनी इतनी विराधना की कि इस विराधना के फल में ऐसे ऐसे महाकष्ट सहन किए, और महाकष्ट और ऐसी विषम परिस्थिति के बीच रहने पर भी भगवान आत्मा निरावरण और नित्यानंद स्वरूप त्रिकाल है, जिस समय तू देखना चाहे उस समय वो वैसा है, किसी भी पर्याय में देख ले। अब निगोदिया नहीं देख सकता तो उसकी क्या इलाज है, असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को, उस शुद्धात्मा को देखने की योग्यता ही नहीं है पर्याय रूप में, तो वे क्या करे। और अपन लोग संगी पंचेंद्री हुए, स्वभाव को देखने की योग्यता अपने को जागृत हुई है ना, और स्वभाव को देखने की योग्यता जागृत होने पर भी यदि हम ऐसे स्वभाव को नहीं देखें, अथवा ये माने कि हम ऐसे स्वभाव को नहीं देख सकते, तो ये स्वभाव की विराधना के फल में 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। आपको पता होगा निगोदिया वगैरह इन जीवों को मिथ्यात्व से 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं होता, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होने के लिए भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे पास स्वभाव को जानने की, मानने की, अनुभव करने की, समझने की योग्यता है, और वो योग्यता होने पर भी तू उस योग्यता का उपयोग नहीं करता। ये इस बात का पाप है। उनको तो स्वभाव की विराधना का पाप है, लेकिन उनको स्वभाव की विराधना का पाप होने पर भी स्वभाव की आराधना की योग्यता उनके पास नहीं है। आगे समझ में? और हमारे को स्वभाव की विराधना का पाप भी है, और स्वभाव की आराधना कर सकने योग्य योग्यता होने पर भी हम आराधना नहीं करते, ज्यादा बड़ा पाप है। आगे समझ में? ये कह रहे हैं नित्य आनंद ही उसका एक स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा शक्ति अपेक्षा से निरावरण एवं आनंदमय ही है। शक्ति अपेक्षा से मतलब अपने को ऐसा लगता है, शक्ति मतलब जैसे थैली में बांध के आत्मा को रखा हो, शक्ति का मतलब पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति नहीं, क्या कहा समझ में आ गया, पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति नहीं, इस अपेक्षा से उसे शक्ति कहा। लेकिन त्रिकाली स्वभाव को त्रिकाली स्वभाव की ओर से देखो तो त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा त्रिकाल अभिव्यक्ति ही है, पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं है, नहीं तो वो नित्य उदय रूप होने से, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। आ गया? ऐसा आनंदमय ही है, इसलिए प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है। जो कारण परमात्मा को भाता है उसी का आश्रय करता है, भाता है माने उसी का आश्रय करता है, यही मैं हूं ऐसा अंगीकार करता है, वह व्यक्ति अपेक्षा से मतलब प्रकटता की अपेक्षा से, पर्याय में परिणमन की अपेक्षा से, ठीक है, निरावरण और आनंदमय होता है। उपाय बता दिया, दूसरा कोई उपाय कर करके मर जाए। 142 नंबर के कलश में थे ऐसा लिखा कि तू बहुत घटाटोप करे, सब कुछ यम नियम सही सब कुछ करे और मर करके तेरा चूरा हो जाए तो भी ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होगी। 142 नंबर का कलश है, समयसार कलश टीका में। अर्थात कार्य परमात्मा होता है, शक्ति में से व्यक्ति होती है, स्वभाव है तो उसका परिणमन आता है, इसलिए शक्ति कारण है और व्यक्ति कार्य है। ऐसा होने से शक्ति रूप परमात्मा को कारण परमात्मा कहा जाता है और व्यक्त परमात्मा को कार्य परमात्मा कहा जाता है ना। ये बात है इसमें बहुत गजब की, ये आचार्य देव ने लिखी। अब अपनी जो चर्चा चली कि वो दो कलश आचार्य भगवान ने लिए, अमृतचंद्र सूरी का, कुंद आचार्य देव का मूल प्रवचन सार का,
और अमृत चंद्र सूरी का कलश समय सार के कलश के अंतर्गत है ना, अरहंत का स्वरूप चल रहा है ना यहां। तो अभी देखो, अब सातवीं गाथा क्यों, क्योंकि अभी दसवीं गाथा से बहुत गंभीर विषय शुरू हो जाएगा। देखो सातवीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव श्लोक द्वारा श्री नेमिनाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। पिछली बार किसकी की थी इनने, छठी गाथा में भी वही की थी ना शायद, हाँ छठी गाथा में भी नेमिनाथ की थी। चलो नेमिनाथ की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं नेमिनाथ की स्तुति के लिए, कि जिस प्रकार कमल के भीतर भ्रमर समा जाता है, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया, ऐसा समा जाता है कि कमल बंद हो जाए तो भी उड़ता नहीं उसमें से, समा जाता है, उसी प्रकार जिनके ज्ञान कमल में, यहां कमल किस लिए उदाहरण दिया, ज्ञान को समझाने के लिए, तो जिस प्रकार कमल में भ्रमर समा जाता है, तो इसका मतलब क्या, कमल हुआ बड़ा और भ्रमर हुआ छोटा, बराबर ना, इस उदाहरण को सिद्धांत में अप्लाई करना है ना, तो कमल बड़ा होगा और भ्रमर छोटा होगा, उसी प्रकार जिनके ज्ञान कमल में, माने ज्ञान कमल, तो कमल माने ज्ञान बड़ा है, ज्ञान विशाल है, और उस ज्ञान कमल में यह जगत तथा अजगत, ये क्या हुआ, जगत और अजगत, अजगत माने लोकाकाश के अलावा जो अनंत आकाश है, देखो ये आकाश द्रव्य है ना, इस आकाश द्रव्य में लोकाकाश का स्थान कितना पता है, मसूर के दाने जितना, बस इससे अनंत 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 लोकाकाश है, आ गया। तो जगत और अजगत अर्थात लोक और अलोक, अब इसमें एक बात और कि कमल में भ्रमर समा जाता है, इसी प्रकार ज्ञान केवल ज्ञान रूपी कमल में जगत और अजगत, इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई साहब ऐसे ऐसे अनंत अनंत लोक और अलोक हों तो भी केवल ज्ञान के जानने में कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर केवल ज्ञानी का ज्ञान मर्यादित हो गया ना, कि है नहीं इसलिए नहीं जानते, तो निमित्ताधीन हो गया ना ज्ञान, कि है नहीं तो केवल ज्ञानी ये जानते हैं कि इसके अलावा कोई लोक अलोक नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा कि केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में एक लोकालोक ही जानने में आता है या अनंत लोकालोक जानने में आते हैं, है? कैसे कैसे, नहीं नहीं कैसे, अनंत केवल ज्ञानी जानने में आ रहे हैं, एक केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान जानने में आ रहा है, और हर केवल ज्ञान में लोकालोक लोकालोक लोकालोक, अब ऐसे तुम विस्तार करो तो कितने लोकालोक को केवल ज्ञानी जान रहे हैं, अनंत अनंत, ऐसे भी ले सकते सदा स्पष्ट रूप से समा जाते हैं अर्थात ज्ञात होते हैं, अनंत होने पर भी वो प्रतिबिंब उसी के प्रतिबिंब रूप है ना, एक की अनंत कॉपी यूं समझ लो, आ गया ऐसा। हाँ उन नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को मैं सचमुच पूछता हूं कि जिससे ऊंची तरंगों वाले समुद्र को भी, माने दुस्तर संसार समुद्र को भी दो भुजाओं से पार कर लूं, आ गया दृष्टि ज्ञान और चारित्र, दृष्टि ज्ञान को एक में मिलाओ और चारित्र को दूसरे, ऐसी दो भुजा, कि इन दो भुजाओं से उस संसार समुद्र को तिर लूं कि जिसमें ऊंची तरंगों वाला जो समुद्र, ऊंची तरंगों वाला समुद्र माने चार गति 84 लाख योनियों की तरंगे हिलोरे मार रही है, भव समुद्र है ना, तो भव समुद्र में तरंगे हिलोरे मार रही है, ये नदी और वो नहीं है, क्या बनाते हैं आजकल वो बांध बांध कहां गए, वो घर में नहीं बनाते, स्विमिंग पूल नहीं बनाते, तो उसकी लहरें नहीं है, समुद्र की लहरें, और समुद्र भी कितना के? सबसे बड़ा स्वयंभू रमण है, उससे बड़ा है ही नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र तो मर्यादित है, ये तो अमर्यादित बहु समुद्र है,
इसमें अनंत ऐसी ऐसी लहरें उठ रही है, कहते उनको भी मैं तिर जाऊं, अर्थात दुस्तर मतलब जिसका तिरना बहुत मुश्किल है, ऐसे संसार समुद्र को भी दो भुजाओं से पार कर लूं। ये आचार्य भगवान ने भगवान की स्तुति करते हुए ये बात कही। भावना क्या भाई स्तुति करते हुए? मुझे पुण्य बन जाए, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, है ना, मेरा मेरे सब चेले भाई मुनिराज हैं, तो और तो कुछ चाहिए नहीं, व्यापार धंधा तो उनको है ना, वो अलग बात है, तो मुनिराज हैं तो कभी मेरे शिष्य बढ़ जाएं, हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहते, मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग देखें, कुछ नहीं चाहिए, संसार समुद्र से पार हो जाऊं, ये चाहते। आ गया, अब देखो इसमें, अब ये आठवीं गाथा आई, आठवीं गाथा का जरा विषय पहले देखते हैं हम, उसके बाद गाथा पढ़ेंगे। आठवीं गाथा में यह परमागम के स्वरूप का कथन, यह आया था ना, आप्त आगम और पदार्थ तत्व, ये बात आई, व्यवहार सम्य दर्शन का विषय है ना, तो उन्होंने पहले आप्त की, आप्त के अंतर्गत आप्त और तीर्थंकर की बात करी, अभी आगम किसे कहते हैं, तो आगम की बात करते हैं, परमागम किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। पढ़िए गाथा। तस्समुहुग्दवयनम् उवाफर दोष विरहियम् तेन दुकैयाहवन्ती तच्छत्था परमात्मे वाणी शोध पूर्वा पर रहित विरोध है आगम वही देती वही तत्वार्थ का उपदेश है। देखो क्या कहते हैं, उनके मुख से निकली हुई वाणी जो कि पूर्वा पर दोष रहित माने आगे पीछे के विरोध रहित और शुद्ध है, ये स्तुति में बोलते हैं ना, परमागम कहलाए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिन वाणी, ये समझ लो इन्हीं गाथाओं का अनुवाद करके वो स्तुति बनी है। तो कैसे होती है भगवान की वाणी, तो उसमें कहते हैं कि एक तो उनके, उनके माने परमागम तीर्थंकर परमात्मा की जो बात चली आ रही ना, उनके मुख से निकली हुई, मुख से माने एक मुख से वाणी नहीं निकलती है, हालांकि निकलती सर्वांग से है, लेकिन लोक में बोलते हैं ना मुंह से बोलते हैं, तो उस भाषा में बात की है कि वाणी जो कैसी वाणी, कि जो कि पूर्वा पर दोष रहितम शुद्धम, पूर्वा पर मतलब आगे पीछे, मतलब पहले कुछ कहे बाद में कुछ कहे ऐसा नहीं, कहीं से भी आप पढ़ो, किसी भी अनुयोग को आप पढ़ो, किसी भी जिनवाणी को आप पढ़ो, सर्वज्ञ की वाणी है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसमें पूर्वा पर दोष नहीं होता। आ गया, आगे पीछे के विरोध रहित और शुद्ध है, कैसी है वो वाणी, कहते शुद्ध है, उसे आगम कहा है, और उसने तत्वार्थ और उस तत्वार्थ कहे गए हैं, उस वाणी में क्या कहे गए हैं, तत्वार्थ, क्योंकि आगे तत्व की चर्चा करनी है ना, तो उसकी भूमिका यहां बांध दी, सर्वज्ञ देव के, सर्वज्ञ देव धर्म के मूल, सर्वज्ञ देव के मुख से निकली हुई वाणी पूर्वा पर दोष रहित शुद्ध, और उस वाणी में क्या प्रतिपादित किया, तो उन्होंने कहा उस वाणी में तत्वार्थ प्रतिपादित किया। इस तरह आप्त आगम और तत्वार्थ आ गया, ये व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है, जिस तरह निश्चय सम्यक दर्शन के विषय में त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा होता है, उसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय में आप तो आगम और पदार्थ होते हैं। जिस तरह त्रिकाली ध्रुव में किसी प्रकार की विकृति नहीं चल सकती, उसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय में भी जो आप तो आगम और पदार्थ हैं, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं चल सकती। अभी अपन प्रश्न कर सकते हैं, भाई देवशास्त्र गुरु तो कहा नहीं, इसमें आप तो आगम और पदार्थ कहा, कि देखो आप तो में गुरु को अंतर्गर्भित कर लिया, परम गुरु कहा ना तीर्थंकर परमात्मा को, है ना, तो उसमें अपर गुरु भी उसमें अंतर्गर्भित रूप से आ जाते हैं,
क्यों? क्योंकि छठे गुणस्थान से लेके चौदहवें गुणस्थान तक के जीवों को तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों में रखा है, तो वो उसमें अंतर्गर्भित हो जाते हैं। और शास्त्र और उसके बाद शास्त्र में कहे गए तत्व, ठीक है, ये व्यवहार समय दर्शन का विषय। क्यों? क्योंकि अंत तत्व बहिर्तत्व, वो चर्चा करेंगे उसमें कि तत्वार्थ बहिर् व्यवहार समय दर्शन का विषय क्यों हुआ। तत्वार्थ तो वो भेद रूप है ना, इसलिए व्यवहार समय दर्शन का विषय। और उसमें से अभेद त्रिकाली कारण परमात्मा, उसको अलग निकालना, उसको दृष्टि का विषय कहना, वो हुआ परमार्थ अर्थात निश्चय समय दर्शन का विषय। बराबर, यह परमागम के स्वरूप का कथन है। बहुत बढ़िया, एक एक लाइन गजब की है, लंबा है पूरा, थोड़ा टीका भी लंबी है इसकी। देखो जरा, उन पूर्वक परमेश्वर के मुख कमल से निकली हुई चतुर वचन रचना का विस्तार, तीर्थंकर भगवान के मुख कमल से निकली हुई चतुर वचन रचना का विस्तार। चतुर किसे कहते हैं? चतुर प्रयोजन को साध ले उसे चतुर कहते हैं, होशियार कहते हैं ना, चतुर उसे कहते हैं ना जो अपने प्रयोजन को साध ले। तो ये चतुर वचन रचना का मतलब क्या? कि हमें अपने प्रयोजन तक पहुंचाने में समर्थ कारण है, निमित्त कारण के रूप में ऐसी वचन रचना का विस्तार, अर्थात जो कि पूर्वा पर दोष रहित है। अब एक एक का विचार करेंगे, पूर्वा पर आगे पीछे जिसमें कोई दोष नहीं आता, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, कभी राग कभी वीतरागता को धर्म कहे, कभी राग को धर्म कहे, कभी परद्रव्य को आत्मा से भिन्न कहे, कभी परद्रव्य से आत्मा को लाभ होना कहे, आ गया ऐसा दोष जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में कभी नहीं आता, ऐसी वाणी होती है। और उन भगवान को राग का अभाव होने से, भगवान को क्या हुआ, कोई राग बचा है? थोड़ा बहुत बचा होगा, संपूर्ण वितरागी हो गए ना, कि राग है ही नहीं। तो राग का अभाव होने से पाप सूत्र की भांति हिंसादि पाप क्रिया शून्य होने से शुद्ध है। तो उस परमागम में, क्योंकि भगवान को किसी प्रकार का राग नहीं है, राग का उनके सर्वथा अभाव हो गया है, तो उनकी वाणी कैसी है कि पाप सूत्र की भांति, कि जिसमें पाप के करने का प्रयोजन सिद्ध किया हो, जैसे आता कि नहीं आता, कि अपने यहां भी हम आत्मा को अनादि अनंत नित्य ध्रुव एक रूप कहते हैं, है ना, और अन्यत्र भी आत्मा को अनादि अनंत नित्य शुद्ध ध्रुव ऐसा बोला गया, कभी मरता नहीं, शस्त्रों से छिदता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, वायु से उड़ता नहीं, है ना, ये सब बातें कही। और फिर बाद में क्या कहा, बेटा उठा ले धनुष। क्या मतलब? जो आत्मा मरता ही नहीं, और जिसको तू मार रहा हो तो पहले से मरा हुआ है, हो गया, ये हो गया, ये निमट गया पूरा। अपने यहां अनादि अनंत कहा, तो अपने यहां मरण का भय मिटाने के लिए और अनादि अनंत नित्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए आत्मा को अनादि अनंत आत्मा है ना, वो आत्मा ऐसा है ना, पर्याय बदल गई, बदल गई। इसमें एक बहुत बढ़िया आएगा कि जैसे एक मनुष्य, नियम सार में एक उदाहरण आता है बहुत बढ़िया, कि जैसे एक रागीर होता है, अब रागीर सड़क पे चल रहा है, दोनों तरफ वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, तो दोनों तरफ लगे हुए वृक्ष की छाया उस रागीर पर पड़ रही है, और छाया बदलती जा रही है, छाया बदलती जा रही है, छाया बदलती जा रही है, रागीर वो का वही है। आ गया उदाहरण समझ में? इसी तरह अनेक प्रकार की पर्याय बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, लेकिन ध्रुव शुद्धात्मा वो का वही है। आ गया, तो अपने यहां भी नित्य कहा और वहां भी नित्य कहा, यहां नित्य का दृष्टि करने के लिए, वहां नित्य का दूसरों को मारने के लिए, मार दे बेटा, चला दे तू, कुछ नहीं, जो मर जो जिसको तू मार रहा है, अरे वो तो पहले से ही मरा हुआ है। इसको बोलते हैं पाप सूत्र की भांति हिंसादि पाप क्रिया शून्य होने से शुद्ध है। माने कदाचित, देखो ध्यान देना यहां पे जरा, कि पाप तो किसी अपेक्षा करने योग्य कहा ही नहीं,
पुण्य को भी करने योग्य नहीं कहा, लेकिन साधक जीव की भूमिका में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि के परिणाम आते हैं, तो उनका निरूपण जिनवाणी करती है कि ज्ञानी की भूमिका में कैसा कैसा राग होता है, उसका निरूपण जिनवाणी करती है। करने योग्य है ये एक बताने के लिए नहीं करती, लेकिन जब तक ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ऐसे भाव ज्ञानी को आएंगे और उन पर निश्चय मोक्ष मार्ग का उपचार करके उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग भी जिनवाणी कहेगी। क्यों कहेगी? क्योंकि एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग अंदर में प्रकट हुआ है और एक ऐसे भाव के काल में उस ज्ञानी धर्मात्मा की भूमिका में पाप परिणाम का अभाव हुआ है। ध्यान देना, पुण्य परिणाम होता है उसका ज्ञान कराएगी, पुण्य कथनचित उपादेय है ये जिनवाणी का वर्ड नहीं है। हे, लेकिन ज्ञानी की भूमिका में मोक्ष मार्ग को, मोक्ष मार्गी को पाप तो छठे गुण स्थान में दम तोड़ देता है, छठे गुण स्थान से मुनिराज को पाप नहीं होता, लेकिन ये मंद कषाय का परिणाम बुद्धिपूर्वक छठे में, अबुद्धिपूर्वक भी होता है लेकिन बुद्धिपूर्वक, और फिर उसके बाद सातवें में तो अकेला अबुद्धिपूर्वक, और दसवें गुण स्थान तक होता है। होता है उसका ज्ञान कराना और उसे उपादेय मनवाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। होता है उसका ज्ञान कराया तो वहां साधक दशा का ज्ञान कराया, और उस पुण्य परिणाम को कथनचित उपादेय बता देवे तो आश्रव को कथनचित उपादेय बताने वाला मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाला निगोदगामी है, ये समझ लेना। ये है ये इसलिए आ गया, ये पाप क्रिया से शून्य होने से शुद्ध, दो बातें आ गया। आगे देखो, वह फिर क्या कहा, परमागम कहा गया है, इसका नाम है परमागम। जो पाप की प्रेरणा दे वो परमागम नहीं हो सकता, स्वभाव की दृष्टि करावे और स्वभाव की भूमिकावंत ज्ञानियों की भूमिका में पाए जाने वाले व्यवहार विकल्पों का भी ज्ञान करावे, चरणानियोग में उसका ज्ञान कराएगा, तो चरणानियोग खाली उसका ही ज्ञान कराता है ऐसा नहीं, ऐसी भूमिका हो उसको ऐसा विकल्प होगा, इससे विरुद्ध विकल्प हो तो अंदर की भूमिका सही नहीं है, इसलिए वो बात बताता है। आ गया, तो वो कह रहे वो शुद्ध, इस तरह उस जिनवाणी को कहा। अच्छा, अब आगे देखो, उस परमागम ने, किस परमागम ने, कि जो परमागम भव्यों को कर्ण रूपी अंजुली पुट से पीने योग्य अमृत है। जैसे होता है ना, पानी कैसे पीते, यूं करके पीते, नहीं पीते पानी को, अंजुली पुट से पीते ना, वो पानी ऐसे डाला किसी ने अपना, अंजुली पुट से पीते कि नहीं पीते, है ना, तो ऐसे ही यह परमागम, जो कि परमागम भव्यों को, भव्यों को क्यों कहा, कि अभव्य तो इस परमागम को पी नहीं सकता, पी नहीं सकता मतलब उसका परिणमन नहीं कर सकता। परमागम में जिस शुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान अनुभूति करने की बात कही, उस रूप अभव्य कभी परिणमन नहीं कर सकता, तो अमृत पिया ही नहीं उसने, उस सुन ले 11 अंग 9 पूर्व तक के ज्ञान का उगाड़ भी हो जाए कोई बात नहीं, उसमें 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान का उगाड़, ये कोई नई उपलब्धि नहीं है, हो जाए अभव्य को हो जाता है इतना तो, शुक्ल लेशा के परिणाम करके 9वें ग्रेवक तक अभव्य चला जाता है, लेकिन उसको जिनवाणी का परिणमन, जिनवाणी जिस शुद्धात्म तत्व की दृष्टि ज्ञान अनुभूति करने की बात करती है वो उसका परिणमन नहीं होगा, इसीलिए तो उसका नाम अभव्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि भव्यों को, एक बात, कर्ण रूपी अंजुली पुट में, पुट से ना, भगवान की वाणी सुनने में निमित्त कौन, कर्ण इंद्री है ना, तो कर्ण अंजुली पुट से पीने योग्य अमृत है, ये अलंकार दिया दूसरा, पीने योग्य अमृत है। अच्छा, जो मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, वो स्तुति में पूरा आता है, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण परमागम कहलाए जिनवाणी, वो इसी गाथा की टीका का है अर्थ। आ गया, मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, अर्थात जो परमागम मुक्ति का स्वरूप दर्शाता है, दर्पण क्या काम करता है,
दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो ये परमागम क्या है कि मुक्ति सुंदरी का क्या स्वरूप है उसको बताने के लिए ये परमागम दर्पण के समान है। बोले क्या बोले इससे बड़े, ये आया आ गया। जो संसार समुद्र के महाभंवर में निमग्न समस्त भव्य जनों को हस्तावलंबन माने हाथ का सहारा देता है। जैसे कोई भंवर में नाव फंस जाए तो मरना ही पड़े, छुटकारा नहीं, लेकिन कोई बलशाली व्यक्ति उसका हाथ पकड़ करके खींचे, है ना, जो उससे भी कम बलशाली होगा तो वो उसको खींचने जाएगा तो खुद भी मरेगा, वहां भंवर में खुद भी फंस जाएगा। तो ये परमागम ऐसा कि संसार रूपी भंवर में फंसे हुए जीवों को हाथ का अवलंबन अर्थात शुद्धात्म स्वभाव का अवलंबन बता करके संसार रूपी महाभंवर से निकालने का काम करता है, माने देता है सहारा, देता है माने निकालने का काम करता है। जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है, शिखामणि का मतलब समझ गए, शिखर की चोटी के ऊपर का रत्न चूड़ामणि, कलगी का रत्न परमागम, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि समान है, क्योंकि परमागम का तात्पर्य सहज वैराग्य की उत्कृष्टता है। इसमें थोड़ी चर्चा करनी है, वो इसमें तो हम कल करेंगे थोड़ी, अभी इसको रखो यहां पे। देखो वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि हो गया, और जो कभी ये बिंदु बाद में अपन कल लेंगे, यहां से फिर पढ़ लेते हैं खाली, जो कभी न देखे हुए अर्थात अनजाने अनुभूत, जिस पर स्वयं पहले कभी नहीं गया, ऐसे मोक्ष महल की क्या है वो, कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। क्या मतलब, कि सम्यक दर्शन का भी कारण परमागम है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी में सम्यक दर्शन नहीं, यहां पे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, और उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पहला कदम कहां रखोगे, परमागम। ये कहना है। आगे देखो, और जो काम भोग से उत्पन्न होने वाले अप्रशस्त राग रूप अंगारों द्वारा सिकते हुए समस्त दीन जनों के महाक्लेश का नाश करने में समर्थ, कैसा है, सजल मेघ, ये भी चर्चा करेंगे, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, राग रूप अंगारों द्वारा जुलस रहा है, हाँ सब पानी से भरा हुआ बादल है, उसने वास्तव में सात तत्व तथा नौ पदार्थ कहे हैं, ठीक है, यहां तक रखते हैं। ये वैराग्य के शिखर, क्योंकि इसमें तीन चर्चा करनी है, वैराग्य, वैराग्य रूपी महल, और वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि, ये बिंदु आएंगे, वैराग्य आएगा, वैराग्य रूपी महल आएगा, वैराग्य रूपी महल का शिखर आएगा, और वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि, चार बिंदुओं पर अपन कल की स्वाध्याय में चर्चा करेंगे।